फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमन दीपक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौम्या राणा का हुआ जगह जगह स्वागत। उन्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सौम्या राणा का प्रयागराज में प्रथम नगर आगमन पर पार्टी की ओर से जगह जगह स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता का भव्य स्वागत किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आदिल हमजा के आवास कीटगंज में छात्र सभा के कार्यवाहक नगर अध्यक्ष आकिब जावेद खान की आवास नैनी में अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सारिक द्वारा भी सौम्या राणा का स्वागत किया गया। वहीं महानगर कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन सहित तमाम पदाधिकारियों ने अपनी नेता को फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। सौम्या राणा ने कहा कि गंगा यमुनी तहजीब के मरकज इलाहाबाद के लोगों ने जो अपना तब दिखाया है और जिस प्रकार स्वागत किया है, मैं दिल से आभारी हूँ। समाजवादी पार्टी की यही पहचान है। असल में सबका साथ इसी पार्टी में देखने को मिलता है। इन्होंने 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा के ही दम लेने की कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। वहीं किसान आंदोलन, महिला उत्पीड़न, निषाद समाज के साथ हुए पुलिसिया तांडव सहित अनेक मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। नगर कार्यालय पर महानगर की कार्यकारिणी की बैठक में 13 फरवरी को महिला दिवस को लेकर बैठक की भी की गई। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जिस तरह से आज किसान सड़कों पे हैं, एक साल पहले हम लोग सड़कों पर थे और अपने हक की मांग कर रहे थे। इनके अंदर ना संविधान का सम्मान है, ना देश का सम्मान है, और अब ना इनके अंदर किसान का सम्मान है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, पूरी दुनिया में यही किसान हमारे देश का सर ऊँचा करते हैं, लेकिन उसी किसान की आज कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा हथकंडा है वो यहाँ के पूंजीपतियों की जेब भरना, और इसी वजह से आज किसान जो है सड़कों पर है, मर रहा है, लेकिन इनको किसी का भी ख्याल नहीं है। और सिर्फ किसान की हम बात क्यों करें? क्या महिलाओं का इनके प्रति क्या सम्मान है? मजदूरों का क्या है? इन्होंने पिछले लॉकडाउन में जिस तरीके से कितने मजदूर सड़कों पर मर गए, ये बसेस खड़ी रखी लेकिन उनके लिए नहीं लगाई, तो तमाम मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को वलगलाया है। लेकिन 2022 के चुनाव में इनको समझ में आ जाएगा कि जनता को क्या समझ में आया है। किसानों के प्रति कहा जा रहा है कि जो आंदोलन में जो उपद्रव हुआ है उसमें इनपुट थे कुछ देश विरोधी ताकतें लगी थी। जब देश की महिलाएं बैठी थी तब भी इनको ये लग रहा था कि बाहर से पैसा आ रहा है और बाहर के लोग हाथ में हैं। इनको खालिस्तान, पाकिस्तान और उपद्रव और इसके अलावा कुछ नहीं मालूम है। ये इस्लामिक स्टेट पे बात करते हैं, ये किसानों को कह देते हैं खालिस्तानी हैं। तो इनको जब अपनी कोई काम छुपाने होते हैं, गलत कारनामे, उस पर ये जो है दूसरी चीज़ों का ठप्पा लगा देते हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है दिल्ली से लेकर और उत्तर प्रदेश से। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।